आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वाह के रत्नेश्वर धाम में पहले दिन भक्तों ने किए 37,000 से अधिक पार्थिव शिवलिंग निर्माण। बड़वाह नावघाट खेड़ी स्थित रत्नेश्वर धाम में पवित्र श्रावण मास के प्रथम दिवस सोमवार से प्रारंभ हुए निःशुल्क श्री शिव पार्थिव लिंग महोत्सव पहले दिवस भक्तों ने 37,000 से अधिक शिवलिंग निर्माण किए, पश्चात पूजन अर्चन के बाद नर्मदा में विसर्जित किए। आचार्य पंडित प्रतीश व्यास ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण और पूजन के महत्व को बताते हुए कहा, जो नर्मदा के उत्तर तट पर मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करते हैं वे सर्व व्याधियों से मुक्त होकर सकल कामनाओं को प्राप्त करते हैं। इसमें शुद्धता पूर्वक कोई भी व्यक्ति 30 दिनों में कभी भी भाग ले सकता है, जिसमें 11,00,000 पार्थिव शिवलिंग का लक्ष्य रखा गया है। संपूर्ण पूजन सामग्री मंदिर की ओर से प्रदान की जा रही है। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। पवित्र श्रावण मास में ग्राउंड नावगढ़ खेड़ी के उत्तर तट में स्थित श्री रत्नेश्वर धाम में आज से श्री शिव पार्थिव लिंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय जनता ने पधार के उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए प्रथम दिन में ही 37,000 से अधिक संख्या में श्री पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया एवं उनका पूजन विसर्जन किया है। और आज श्रावण का प्रथम सोमवार भी था, गत वर्ष भी इसी प्रकार से क्षेत्रीय जनता ने उत्साह लिया था। यह महोत्सव आने वाले 30 दिनों तक चलता रहेगा। 19 अगस्त के दिन इस महोत्सव की पूर्णा होति होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इसमें भाग ले सकता है। प्रातः काल से शिवलिंग निर्माण का कार्य आरंभ होकर सायं 4 बजे आरती पूजन और 5 बजे विसर्जन होता है। यह सभी के लिए है, इसमें किसी से भेदभाव की बात नहीं है, सभी शुद्धता पूर्वक इसमें भाग ले सकते हैं। और पवित्र ओमकार भूमि में नर्मदा जी के उत्तर तट पे शिवजी का पूजन करना, श्रावण मास में वह व्यक्ति साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में भी अनेक बार उल्लेख है। आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं, आप सभी पधारे, नमो नारायण। श्री शिव पार्थिव लिंग महोत्सव पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें किसी को कुछ भी देना नहीं है। वो अपनी श्रद्धा पूर्वक आए, यहाँ से पूजन की सामग्री पटिए और विप्र देवताओं की दक्षिणा आदि आदि सब रत्नेश्वर धाम की तरफ से ही निश्चित की गई है। और यह पूरे श्रावण मास चलता है, निःशुल्क है और 11,00,000 शिवलिंग बनाने का लक्ष्य रखा है। और प्रथम दिन में ही 37,000 की संख्या में शिवलिंग निर्माण हो चुके हैं। आप सभी पधारे, नमो नारायण।